3, 2, 1. बताना चाहूँगा कि ये सुजॉय हैं, इनसे मछलियाँ बहुत प्यार करती हैं। आप समझ गए होंगे ये कौन है। ये हमारे स्क्यूबा इंस्ट्रक्टर हैं, एक थोड़ी सी ब्रीफिंग दे रहे हैं। कल हम सुबह करेंगे, अर्ली मॉर्निंग। कभी सपना होता था कि हम स्क्यूबा डाइविंग करेंगे और आज वो दिन एक्चुअली आ चुका है। हम जिसके साथ ये कर रहे हैं, कल शाम को आपको हमने बताया था सुजॉय हैं, जो मतलब जिनके साथ हमें मौका लगा करने का। तो कंपनी नेम इज आइलैंड डाइवर्स, मैं डिस्क्रिप्शन में सब डाल दूंगा। बोलो बजरंग बली की जय। शांति से पहले का तूफान। हम उस जगह पहुंच चुके हैं जहां पे हमारी पहली ब्रीफिंग होगी। ये आइलैंड डाइवर्स का ऑफिस है और सबसे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन है आता है जो मेडिकल रीजंस के हिसाब से कि आप ठीक ठाक हो, बीपी वगैरह कुछ ऐसा नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है कि हम लोग ठीक ठाक हैं और इस फॉर्म पे करके हम वारंट कर देंगे कि हम ठीक हैं। मुझे लगा था सुबह ड्राइव करने आए, हम तो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। ये बहुत ही खतरनाक टीचर है, स्माइल पे मत जाना। प्रोग्राम के लिए हमें आपकी स्विमिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अच्छा, सो हम आपके लिए स्विम करते हैं। सो ये बेसिकली नॉन स्विमिंग प्रोसीजर है। ठीक है, ठीक है। मतलब जो बंदे स्विमिंग नहीं भी कर सकते वो भी इजीली कर सकते हैं। डेफिनेटली डेफिनेटली कर सकते हैं। कोई तैर ले तो जबरदस्त होगा काम। तो पहले ब्रीदिंग सेशन होगा आपका, ठीक है, सांस लेते हैं। नेक्स्ट विल मूव ऑन टू द स्किल सेशन, लाइक कौन सी स्किल्स रिक्वायर होती है अंडर वाटर पे, अगर मुंह पे इनकेस पानी आ गया तो, और इनकेस अगर रेगुलेटर निकल सकता है मुझसे, तो इनकेस एनी सेशन के निकल गया तो वापस मुंह पे कैसे आया। ठीक है। अच्छा, हमारा बोट जो लोकेशन पे लेके जाएगा आपको, जिस लोकेशन पे बेसिकली हम डाइव करने वाले हैं, ये सारा काम हम आज एक ही दिन में कर लेंगे। ठीक है, हमें मतलब मछलियों के साथ कैसे रहना है, मछली को अंडर वाटर टच करना इट इज नॉट अलाउड। ओके ओके, यू डोंट डिस्टर्ब अंडर वाटर एक्वाटिक लाइफ एट ऑल टाइम्स। पानी के अंदर का फिजिक्स थोड़ी डिफरेंट तरीके से काम करता है। हमें एग्जांपल के थ्रू एक नॉर्मल सा बलून लेंगे, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक नॉर्मल बलून लिया जिसपे हमने हवा भर दिया और उस बलून को नॉट करके हम पानी के अंदर लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा उसके साथ में, प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम होगा। हाँ, सो एक्चुअली में तो क्या होता है, धीरे धीरे जब बलून को नीचे लेके जा रहे हो तो प्रेशर के कारण वो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, जितना डीपर आप लेके जाओगे बलून का साइज छोटा होते से होता है। दूसरी बात, ठीक है, अब बारी है एग्जाम्स की। डरने वाली कोई बात नहीं है, ये सिर्फ ये जानने के लिए है कि आपने इंस्ट्रक्शन सही से सुनी भी है कि नहीं। बस ये प्रोग्राम वर्क इसीलिए है कि इस प्रोग्राम का वजह से काफी लोगों की जिंदगी चेंज हुई। अच्छा, आई मीन लाइक इन द सेंस कि ये प्रोग्राम के बाद में दे वांट टू नो मोर अबाउट एक्वाटिक लाइफ। पहले बहुत खुश हो, हाँ, और वो अंदर जाएगा तो खुश आएगा कि ज्यादा खुश आएगा? बहुत ज्यादा खुश आएगा, बहुत ज्यादा खुश आएगा। इसके बाद में सो उनकी जिंदगी ऐसी चेंज हुई, किसी ने, बहुत लोग ऐसे जो अपने सिटी लाइफ को छोड़ के यहाँ पे आके इस प्रोफेशन को ज्वाइन किया। सिंस आफ्टर कोविड के बाद में थोड़ा सा सेफ्टी बढ़ गया है हमारा, तो और हमें ये चीज़ सारी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है, टेस्ट करना पड़ता है। सो बीसीडीज को सैनिटाइज कर चुके हैं, अब रेगुलेटर्स को ऑलरेडी सैनिटाइजर पर डाल दिया गया था। ओके, तो अभी उसको निकाल के सेट करेंगे। ये फर्स्ट एड किट भी यहाँ पे पूरी प्रोवाइड करते हैं। आपको डर भी नहीं लगा बिल्कुल ऐसे कुछ भी? शी वाज शिट स्कैर्ड बिफोर, शी वाजंट रेडी टू कम, आई काइंड ऑफ फोर्स्ड हर इनटू दिस काइंड ऑफ कलर्स यू सी डाउन देयर। कांग्रेचुलेशंस। तो हमारी अब एक बारी शैलो वाटर में ट्रेनिंग शुरू हो रही है ताकि हम ब्रीदिंग वगैरह एक बारी पैटर्न को समझ सकें। तो लग रहा
लाश को लेके जा रहे हो। तुम चुप रहो, डराओ मत प्लीज। वेलकम टू स्कूल ऑफ स्कूबा डाइविंग। ये हम लोग जब फेस पे लगाएंगे तो हमारा नोज ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। इसका एक ही ऑप्शन है कि मुंह से सांस ले और मुंह से सांस को निकाले। हाथों से बाल को ऐसे पीछे ले लीजिए, गीला करके। लड़कों भी? हाँ, नहीं आपको करना है। आपको नहीं करना। हमारा तो बाल ही नहीं है। मुंह से सांस लेना है और मुंह से ही छोड़ना है। अब एक अलग दुनिया में आ गए। ये ओके का साइन है, नॉट ओके है, गो अप, गो डाउन, स्टॉप। मैं कैसे कर रहा हूँ वही हिसाब से आपको भी करना है, ठीक है। How was the practice session? जबरदस्त यार, मतलब पानी के अंदर की लाइफ का ना एक क्या ना चुटकी मिल गई, एक ट्रेलर ऐसा चल गया अंदर से साइड में। बहुत अच्छे से बताया आपने। न्यूडी पे डांस रहेगा, बहुत सारा स्नेपर रहेगा, फाइव लेंथ स्नेपर, वेट फिश, आल्सो रोजर फिश। ओहो, अरे ये जीन्स आपकी जो है ये पानी में जाके ऐसी हो गई कि ऐसी ही है। तो ये इसको कहते हैं बोट डाइव, कि हम बोट पे जाते हैं। बोट एक जगह ऐसे स्थान पे लेके जाते हैं जहाँ पे कुछ बात ऐसी होती है और यहाँ से हम सीधा रोल बैक डाइव कर देते हैं, बोट डाइव जिसे हम कहते हैं। तो गाइस ऐसा लग रहा है कि ना दुल्हन को छोड़ने आए हैं सारी की टीम, पूरी आइलैंड डाइवर्स की टीम है। तो एकदम मतलब मेरे को ऐसा लग रहा था इनमें से ना कोई रिलैक्स करेगा कुछ करेगा, लेकिन सारे पागल है, सारे के सारे इस पानी में जाना चाहते हैं। सेहरा पहनाया जा रहा है दुल्हन को। विल चेक टू टू लोकेशंस, देखेंगे जो बेटर होगा उसमें से कोई एक कर लेंगे। पानी में जाते ही सबसे पहली फीलिंग पता है क्या आती है? फ्रीडम, इवन फ्रॉम योर ओन वेट। जैसे जैसे आप नीचे जाते हो प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से कान में पेन हो सकता है, जैसे मुझे हो रहा है। तो मेरे इंस्ट्रक्टर मेरी हेल्प कर रहे हैं प्रेशर नॉर्मल करने में।
पता है स्कूबा डाइविंग करते हुए कैसा लगता है? जैसे किसी एस्ट्रोनॉट को लगता है अपने स्पेस स्टेशन में फ्लोट करते हुए, जैसा कि बर्ड्स को लगता है खुले आसमान में बेपरवाह उड़ते हुए, जैसा इन फिशेस को लग रहा है एकदम फ्री होके टहलते हुए, ऐसा लगता है कि दुनिया काफ़ी स्लो हो गई अचानक से। कोई कोई फिश क्यूरियोसिटी में आपके पास भी आ जाती है, जैसे आप उसे नहीं बल्कि वो आपको देखने आई हो। आपका मन करेगा कि आप इन सबको एक बार गले लगा लो, लेकिन ये आपके हाथ नहीं आएगी। ज़िंदगी में बहुत सी मूवीज़ देखी, कुछ को देख के हंसते थे और कुछ को देख के रोते भी थे, पर कभी सोचा नहीं था कि हमारी लाइफ ही एक मूवी बन जाएगी। वाह ट्रेवल यार, तूने तो ज़िंदगी जीना सिखा दिया। शब्द रही है यार, खिल गया। ओह माय गॉड, क्या एक्सपीरियंस है। मेरे को यकीन नहीं हो रहा, मुझे सिर्फ 5 मिनट हुए हैं लेकिन आई थिंक 40-45 मिनट हो गए हो। कैसा है, फिर से जाने की इच्छा हो रही है? चलेंगे फिर से, चले चलो। थैंक यू सो मच, तालियां जोरदार आपके लिए। सब कुछ हिल चुका है अंदर का। मेरे को ये समझ में आ गया, जिंदगी में जब आप बिल्कुल चुप रहते हो ना, सब कुछ तभी मिलता है। जब आप बोलते हो तो नहीं मिलता। कहते भैया सैल्यूट है आपके लिए, आपने जो मुझे कराया है बहुत बहुत मजे से कराया है। मैंने आपके हाथ भी 2-4 बार चूमे, आपको लग रहा था कि शायद मुझे सांस नहीं आ रही, लेकिन मैं चूम रहा था आपके हाथ। हाथ में भी देखा, मैं पॉइंट कर रहा हूँ, वो थोड़ा शाय एनिमल है, मतलब आप नजदीक जाओगे तो वो अंदर चला जाएगा। बट रिकॉग्नाइज नहीं कर पाई। अच्छा, ये तो मेरे को भी देखोगे नहीं कर पा रही। बस मैं सोच रहा था कि यार ये पल यही सुन लिया। एक प्ले का पार्ट लग रहा था, मुझे लग रहा था कि हम एक प्ले कर रहे हैं वहाँ पे। पूरा प्रोसेस बहुत अच्छा लगा, टेस्ट पास करने बहुत अच्छा लगा। मुझे अपने स्कूल के डेज याद आ गए। टेस्ट देने के बाद जो है ना गाइस, आपका टेस्ट होगा।